हेलो दोस्तों, तो कैसे हो। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर दोस्तों आप लोगों को भी HDFC बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर गिफ्ट वाउचर मिला है तो आप लोग इसे किस तरीके से क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर 250 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिला है तो मैं आप लोगों को लाइव यहाँ पर इसको क्लेम करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप लोगों को क्लेम करना है। सारा प्रोसेस हम बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब उसके पास दोस्तों इस तरीके का मैसेज आया होगा या फिर ईमेल पर या फिर आपको मैसेज में भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि इस वाला जो ये कोड है आपको इस कोड को कॉपी कर लेना है और क्लेम नाव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लेम नाव पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। 2023 का लेटेस्ट तरीका है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे कोड कॉपी किया है उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। जो भी मेरा मोबाइल नंबर क्रेडिट कार्ड के साथ लिंक है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे मैं फिलअप करूँगा, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मेरे मोबाइल नंबर पे वन टाइम OTP कोड आएगा तो उस OTP कोड को आपको अपने हिसाब से यहाँ पर फिलअप कर देना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आप लोग देखोगे तो आप लोगों के सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आपको 250 रुपये फ़िलहाल मुझे मिले हैं तो आप इन्हें कहाँ पर यूज़ करना चाहते हो। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप अमेज़ोन पर भी ले सकते हो, अमेज़ोन का जो पे बैलेंस होता है उसको भी ले सकते हो और आप लोग यहाँ पर सोनी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। दोस्तों यहाँ पर हम फ्लिपकार्ट का सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर रेडियम पर क्लिक करते हैं। रेडियम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा तो यहाँ पर मैं जिस हिसाब से चाहूँ उस हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। 100-100 करके 200 रुपये का और यहाँ पर 250 रुपये का, तो यहाँ पर 250 रुपये का सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ये आप लोगों को यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फिर से आप लोग देखोगे तो आप लोगों का मैसेज आ चुका है। मेरे पास भी मैसेज कुछ इस तरीके का आ चुका है। यहाँ पर गिफ्ट वाउचर आ चुका है और यहाँ पर वैल्यू भी बता दिया गया है और यहाँ पे पिन होता है तो पिन भी आ चुका है। तो यहाँ पे क्लेम किस तरीके से करना है फिलहाल हम इस नंबर को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और आप लोगों को क्लेम करके भी दिखा देते हैं। और गाइस यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इसकी एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर बता दी गई है और यहाँ पर पिन नंबर भी बता दिया गया है। तो फिलहाल हम पहले यहाँ पर अपना फ्लिपकार्ट ओपन कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा सेविड कार्ड एंड वॉलेट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सबसे फर्स्ट में गिफ्ट कार्ड, तो आपको गिफ्ट कार्ड यानी कि ऐड फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड पर क्लिक कर देना है। जब भी मुझे नंबर मिला मैं उस नंबर को यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ और जो पिन मिला है उस पिन को यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। पिन नंबर डालने के बाद आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करोगे यहाँ पर कुछ लोडिंग लेगा और गाइज यहां पर गिफ्ट कार्ड सक्सेसफुली ऐड हो चुका है और यहां पर 250 रुपये मुझे मिल चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड ले सकते हो अगर आपको HDFC बैंक की तरफ से गिफ्ट वाउचर मिला है। फिलहाल मुझे 250 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिला था जो कि मैंने रिडीम कर लिया है। अगर दोस्तों आप लोगों का ज़्यादा का भी मिलता है तो आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग अमेज़ोन यूज़ करते हो तो अमेज़ोन को भी यहाँ पर आप गिफ्ट कार्ड यूज़ कर सकते हो और मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट के लिया तो आप लोग चाहो तो फ्लिपकार्ट का भी ले सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर बता दिया गया है कि इसकी एक्सपायरी डेट कब तक की है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। टेक केयर, बाय बाय।